कोलकाता के हर एक गली में, हर एक घर में, हर एक मोहल्ले में खाने से पहले कड़वा और खाने के बाद मीठा तो चलता ही चलता है। तो कड़वे में चाहे नीम के पत्ते ही क्यों ना खाना पड़े, लेकिन वो खाते ज़रूर है कड़वा। तो आज हम उसी से कोलकाता का एक फेमस रेसिपी बनाएंगे, नीम बागुन बोलते हैं जिसे, नीम के पत्ते से और बैंगन से बनता है, तो उसका नाम है नीम बागुन। तो हम आज वही बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने नीम के पत्ते तोड़ लिए, अब तोड़ेंगे हमारे पेड़ से बैंगन। ये जो बैंगन लग रहे हैं ये तोड़ लेंगे एक एक करके। तो हमने बैंगन, नीम के पत्ते तोड़ लिए, ऑर्गेनिक, हमारे घर के थे। अब इसे हम बैंगन को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें। ये हमने बैंगन को काट भी लिया और धो भी लिया। अब बारी है नीम के पत्ते की, तो इसके टहनी से एक एक पत्ते को हम हटा लेंगे। हटाने के बाद फिर इसे भी अच्छे से वॉश करके फिर आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो नीम के पत्ते का खाने का मतलब ये है कि कुछ हेल्दी भी हो जाए। नीम बहुत ठंडा होता है, अभी गर्मियों का टाइम है तो शरीर को ठंडा करता है, इसी वजह से खाते हैं लोग। और मेन पर्पज़ है नीम के पत्ते का खाने का, कहते हैं कोलकाता के सारे लोग कहते हैं अगर खाने से पहले कड़वा खा लिया जाए ना तो मुंह में स्वाद और बढ़ जाता है, और सारी चीज़ें जब हम खाते हैं तो वो बहुत ही स्वाद लगता है। तो हम अब तेल डाला कढ़ाई पे, तेल डालने के बाद डालेंगे बैंगन। बैंगन को 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, उसके अंदर नमक हल्दी डालेंगे, इसे मतलब अच्छे से फ्राई कर लेंगे क्योंकि वो तो नीम के पत्ते 2 मिनट में फ्राई हो जाएगा तो बैंगन हमारा कच्चा रह जाएगा, इसलिए बैंगन को पहले अच्छे से फ्राई करेंगे, उसके बाद डालेंगे हम नीम के पत्ते जब बैंगन 80% तक पक जाए। फिर नीम के पत्ते को डाल के उसे भी थोड़ा सा उल्टाएंगे पलटाएंगे, फ्राई करते रहेंगे जब तक वो करारा सा ना बन जाए, क्रंची सा ना हो जाए तब तक। यहाँ पे तैयार है हमारा नीम बागुन, हमने प्लेट में निकाल लिया और इसे हम अलग से चावल के साथ अलग से प्लेट में थोड़े से खाएंगे। अगर आप बना के कभी खाते हो तो ऐसे अलग से खाना, क्योंकि ये जस्ट फॉर हेल्थ के लिए है और कुछ नहीं है। इसका मेन पर्पस यही होता है कि हेल्थ के लिए, आपको पता है कड़वा हमारे शरीर के लिए कितना अच्छा होता है। आप एज ए दवाई समझ के खाओ चाहे, या फिर कोई डिश समझ के खाओ, लेकिन होने वाले आपके लिए ये अच्छा है। हम तो खाते हैं और इसमें शुगर वाले